बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी और ना मैं किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगी. यू नो व्हाट हैपेंस इज कि आप इतने टाइम से सारे फैकल्टीज़ को इंस्ट्रक्शन देते हुए सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उन्होंने अपने सब्जेक्ट के बारे में थॉरली सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन तकलीफ कहाँ है पर है? आपके मन में. हम फेल हो गए, वो पास हो गया, वो कुछ और कर रहा है, हम जहाँ हैं उस पोजीशन पे क्यों हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है. जब कोई पर्सन फेल होता है ना, तो उसको पहला जो फेलियर लगता है ना, वो लाइफ टाइम याद रहता है. द फर्स्ट फेलियर विच यू फेस, आई थिंक ऑनलाइन वाले आप सुन पा रहे हो 10 मिनट और, कि आप अगर फेल होते हो ना, तो आपकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम फेल क्यों हुए. एफर्ट्स तो हमने भी पूरे डाले थे, हमने पढ़ाई पूरी की थी, जैसा बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं हमने भी पढ़ा था, तो तकलीफ कहाँ आई और क्यों वो तकलीफ ऐसी हुई कि जिससे हम फेल हो गए. राइट नाउ बिफोर टेलिंग एनीथिंग, सब्जेक्ट्स के बारे में तो आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज ने आपको बता दिया, और मैं आपको सपोर्टिंगली एक चीज और बोल दूं कि जिस जगह आज आप बैठे हो ना, उस ही जगह पे एक समय में मैं थी और यही मेरे फैकल्टीज थे, चाहे वो मित्तल सर हो, चाहे वो असीम सर हो, चाहे वो दीपक सर हो, जितने फैकल्टीज अभी आपको यहाँ जो इंस्ट्रक्ट करके गए ना, वो सारे मैं भी उन्हीं फैकल्टीज से पढ़ी हुई. और क्वेश्चन ये है कि आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? इफ आई कैन डू और इफ एनी वन सिंगल पर्सन इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ कैन डू, व्हाई कांट यू? कर सकते हैं. तकलीफ है तो वो स्ट्रैटेजी हमें सही करने की जरूरत है, वरना ऐसा तो है नहीं ना. देखो कि आपको किसी फैकल्टी ने कम पढ़ाया हो या आप ही के बैच वालों को. सर आपने ऐसे किया था क्या कि इस बच्चे को अलग से पढ़ा, अलग से सेपरेटली, बोलना मत किसी को, ऐसे तो हुआ नहीं है ना. अगर वही एफर्ट जो एक फैकल्टी एक बच्चे पे डाल रही है दूसरे बच्चे पे भी डले हैं, तो फिर एक बच्चा फेल और एक बच्चा पास क्यों? तो कहीं ना कहीं अपनी हो सकता है स्ट्रैटेजी में तकलीफ हो, कहीं ना कहीं हो सकता है अपने डायरेक्शंस में तकलीफ हो, तो उसको करेक्ट कर लेते ना हम, कोई तकलीफ थोड़ी है. और फेलियर इज नॉट, मतलब जिस चीज को आप फेलियर बोल रहे हो ना, बेसिकली इट इज नॉट अ फेलियर, इट इज जस्ट एन इनकन्वीनियंस कॉज टू यू. आपको पता है लाइफ में इतने हर्डल्स आते हैं और वो हर हर्डल हमें कुछ सिखाने के लिए होता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. आपने अगर रामायण देखी हो लॉकडाउन में, जनरली देखी ही होगी, पूरा लॉकडाउन हमारा रामायण और महाभारत देखने में निकला है. तो वो जो रामायण है उसमें एक इंसिडेंस था जब हनुमान जी को ना सीता माता को देखने जाना था समंदर पार करके कि वो वहाँ है कि नहीं. तो हनुमान जी जब जा रहे थे तो रास्ते में जाते हुए हनुमान जी के कई बार रास्ते रोके गए. एक इंसिडेंस उसमें ऐसा है जहाँ पे सिरसा नाम की राक्षसनी उनके सामने आई और हनुमान जी को बोल रही मैं तुमको खाऊंगी. अब हनुमान जी बोल रहे हैं माता मेरे को ना वहाँ जाना है सीता माता को लेने, आप वापस आऊँ तब खा लेना. तो ये जिद पे अड़ गई, बोले नहीं मैं तो आपको खा के ही रहूँगी, अगर मेरे मुंह में से जीवित बच गए तो आप निकल जाना, वरना तो मैं आपको खा के ही मानूंगी. अब हनुमान जी को एक लिमिट के बाद में समझ में आई ये मानने वाली नहीं है, तो हनुमान जी ने बोला ठीक है खाओ. तो सिरसा ने अपना मुँह बड़ा किया, तो ये जो हनुमान जी उन्होंने अपने आप को बड़ा कर लिया, सिरसा ने मुंह और बड़ा किया, हनुमान जी और बड़े हो गए. एक लिमिट के बाद हनुमान जी को लगा यार ये ऐसे नहीं मानेगी, तो उन्होंने क्या किया, वो एकदम छोटे हो गए और सिरसा के मुंह में से निकल के बाहर आ गए और ये बोला कि माते अब हम जाते. अब आप इस सिनारियो को अपने ऊपर लेके देखो, आप फेल हुए, आपको लगता है दुनिया की सबसे खराब चीज आपके साथ हो गई. मुझे एक बात बताओ, वो तो भगवान का काम करने जा रहे थे ना. अरे हनुमान जी सीता माता को लेने जा रहे थे तो किसका काम करने जा रहे थे? भगवान का. और भगवान ने ही उनके रास्ते में रोड़े अटका दिए. वो बोल सकते थे वेरी वेल, ही कुड हैव गिवन एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी भगवान व्हाट इज दिस, यू डोंट वांट योर वाइफ और व्हाट, आपको नहीं चाहिए क्या, बोला उन्होंने ऐसा. व्हाट ही डिड, ही फाउंड आउट अ सॉल्यूशन. आपको भी वही करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है. आपको ये नहीं देखना है कि हम पास हो गए, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम पास नहीं हुए तो हम फेलियर जिस वजह से हुआ है उस वजह को अवॉइड कर ले. ठीक है. अच्छा मैं आपको ओवरऑल फाउंडेशन क्लियर कैसे करते हैं उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज बता देती हूँ. सब्जेक्ट वाइज आपके फैकल्टीज आपको थोरोली बता चुके हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. बट उसके पहले ना मैं आपके साथ 3 छोटी छोटी स्टोरीज शेयर करती हूँ, शायद ये आपको लाइफ में काम आए. एक समय एक बच्चा था, उस बच्चे का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था क्रिकेट में, बट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी. तो
उस बच्चे को बोला गया यार तुम बैंकिंग की जॉब कर लो और जॉब करने के बाद में जो भी तुम्हें जॉब मिले उसे घर चलाना। स्टोरी नंबर वन, मैं इसको अभी आधा रोक रही हूँ। स्टोरी नंबर टू, एक बच्ची थी जिसको बहुत बड़ा कुछ लाइफ में करना था और उसको भी उसके पेरेंट्स ने बोला यार देखो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो एक काम करो ना तुम कहीं जॉब कर लो, और उसने वेट्रेस का काम किया। ठीक है मैम, ये तो बहुत आउट लाइन वाली बात कर रहे हो आप, मतलब सीए से तो रिलेशन ही नहीं है। तो चलो एक और एग्जांपल, एक बच्ची थी, इस बच्ची को तीन पंडित समझते हो आप, पंडित जो कुंडली वगैरह देखते हैं, विश्लेषण कराते हैं, और भारत में तो ऐसा होता ही है, मैक्सिमम लोग पहुंच ही जाते हैं कि भैया देख लो यार स्टार वार योग वोग देख लो, भले ही चाहे उसको खुद का भविष्य पता नहीं हो लेकिन हमारा भविष्य बता देगा वो। तो हम तो एक इस लड़की को ऐसा बोला गया तीन पंडितों ने कि तुम अगर सीए बनो तो हम अपना नाम बदल लेंगे। तीन पंडितों ने इस लड़की को ये बोला कि तुम अगर सीए बन जाती हो तो हम अपना नाम बदल लेंगे, तुम सीए बन ही नहीं सकती, तुम्हारी कुंडली में वैसे स्टार्स ही नहीं है। जो पहला एग्जांपल था ना उसमें जो बच्चा था वो बच्चा आगे जाके बना रोहित शर्मा, आई डोंट थिंक उसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है, रोहित शर्मा। दूसरी जो बच्ची थी जिसने वेट्रेस का काम किया वो बच्ची आगे जाके बनी स्मृति ईरानी। ये वो इंसान है जो ओवैसी की भी आवाज पार्लियामेंट में बंद कर सकती है। और तीसरी जो लड़की थी वो आज भी उस पंडित को ढूंढ रही है और वो सीए बन चुकी है और आपके सामने उपस्थित है, और वो हूं मैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूं कि गिरते हैं शहसवार ये मैदान जंग में, वो तुक रही क्या खाक गिरे जो घुटनों के बल चलता। जब आप आगे बढ़ोगे तो रुकावटें तो आएंगी, लेकिन रुकावटों से डर के पीछे हटना है या आगे बढ़ना है ये आपकी चॉइस है। ये तीनों स्टोरी का जो कॉमन पॉइंट था ना वो ये था कि लोगों ने बोला तुमसे नहीं होगा, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। अब दुनिया की तो यही रीत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो हम उनकी बातों से डिसाइड क्यों ना करेंगे कि हमको क्या करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, आप बताओ, आप जब सीए करने आए थे तो घर से किसी ने धक्का देके भेजा था क्या कि चल जा तेरे को सीए ही करना पड़ेगा जा? मन से किया था ना, आपकी चॉइस थी ना, कोई तो इंटेंशन सेट किया होगा। तो एक फेलियर से क्या इंटेंशन छोड़ देने का, फेलियर से क्या इंटेंशन छोड़ देने का? आप एक बात बताओ, ट्वेल्थ से जब निकले थे तो कितने बच्चे थे जिनमें ये डेयरिंग थी कि ये कोर्स भी कर ले? थे? बहुत ज्यादा थे? नहीं थे। अगर आप तो एक अटेम्प्ट दे चुके हो यार तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी ना आप में, कुछ तो होगा जो आपको ये स्पार्क देता होगा सीए करने का। तो इसीलिए अदरवाइज दैन बीइंग डिप्रेस्ड विद ऑल दीस सिनेरियो, देखो क्या होता है, मंजिलें मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आप अगर निकलोगे तो ही वहां तक पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। अच्छा आपके मन में दो व्यथा और होगी 100%, एक तो ये मैम उस बच्चे को ना मैंने पढ़ाया, दिन रात मैं उसके साथ पढ़ता था, वो पास है मैं फेल हूं। मैम आपको पता है उसने सिर्फ एमटीपी पढ़ी और वो पास हो गया, और मैं पूरा पूरा पढ़ रहा था तो भी मैं फेल हो गया। तो बेटा तू भी एमटीपी पढ़ लेना, तू उसको देख के क्यों कलप रहा है? कंपैरिजन कभी मत करो, आपको नहीं पता आज आप एक बार फेल हुए हो सकता है आप सीए उससे पहले बन जाओ। आपने आपका भविष्य देखा है नहीं देखा है? Getting my point? So don't compare yourself with anybody else. अच्छा कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मैम सीए करेंगे और अगर फेल हुए तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। आते हैं दिमाग में ऐसे डाउट कि मैम फेल हो गए, फाउंडेशन में ही फेल हो गए तो क्या होगा अब हमारा? लगता है ऐसा थोड़ा बहुत ऑनलाइन किसी को लगता है ऐसा? हाँ देखो हाँ बोल रहे। अच्छा मुझे बताओ ये नोट लोगे, ले लोगे? क्यों आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोलते? ले लोगे? अब ले लोगे? अब ले लोगे? अब ले लोगे? ले लोगे ना? इसकी वैल्यू कम हुई क्या? इसको मैंने कितना भी क्रम्बल कर दिया इसकी वैल्यू कम हुई क्या? ये तो 200 रुपए ही रही ना। इसका मतलब सीए सीए ही होता है, अटेम्प्ट्स इंपॉर्टेंट एक लिमिट तक रखते हैं उसके बाद नहीं रखते। तो डोंट काउंट योर अटेम्प्ट्स एंड डोंट काउंट योर फेलियर्स, अल्टीमेट टारगेट इंपॉर्टेंट है सीए। अच्छा कुछ लोग एमबीए कर रहे हैं वो राजशाही जीवन जी रहे, हम क्यों नहीं जी पा रहे? चॉइस आपकी थी ना, आपने किया था ना सीए,
अच्छा नौकरी अगर 10,000 रुपए महीने की हो तो इंटरव्यू टफ होगा कि इजी? थोड़ा इजी होगा। 1,00,000 रुपए महीने की हो तो बस फिर वो MBA कर रहा है, वो अल्टीमेटली जो कर रहा है वो उसकी फील्ड में एक्सपर्टीज होगा, लेकिन CA ही होता है। अब आप एक बात और समझ लो, लास्ट फेल होने का ना आपके पास इस बार ऑप्शन नहीं है। आपका इस बार का रिजल्ट फेल आया ना सब लोगों का, यस बोल रहे हुआ ना। क्या सिनारियो था घर का? व्हाट वाज द सिनारियो? जितना आप रोए हो ना उससे ज्यादा आपके पेरेंट्स परेशान और दुखी हुए। ऑप्शन है आपके पास फेल होने का? अब आपकी एग्जाम आपकी नहीं है, पता है इन लोगों का तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। डिग्री तो आपको मिलेगी, इनको डिग्री मिलेगी क्या? लेकिन फिर भी मम्मियां तो खासकर लगी हुई है किचन में, बेटा खाना खाया, बेटा पानी पिया, वो अंदर अंदर रो रही हैं, आपको बता नहीं रही है कि ताकि आप स्ट्रॉन्ग रहो। फेल होने का ऑप्शन है आपके पास? ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने के सपने देखे और ये आपके सपने पूरे होने से ही खुश हो रहे, मतलब इनका खुद का स्वार्थ ही नहीं है फिर भी ये आपको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये खुद अपनी फैसिलिटीज को कम करके आपको फैसिलिटीज देते होंगे, आपको क्या पता। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है अब फेल होने का। अगर आप खुद से हारोगे दैट इज अ वेरी बिग फेलियर फॉर योरसेल्फ एज वेल एज योर पेरेंट्स। सो 100% फोकस के साथ पढ़ाई करो। इस अटेम्प्ट में आप ये सोचो कि अगर इस अटेम्प्ट में कोई एक बच्चा भी पास होता है ना पूरी इंडिया में तो वो आप होगे, ऐसा सोच के आप पढ़ाई करो, ठीक है? खुद से कभी हारना नहीं है, कमाल है बुजदिली, अपनी ही नजरों में पस्त होना। अगर जरा सी हो जरूरत तो क्या हो सकता नहीं, जीने नहीं देती दिल की बीमाई गया, वरना ऐसा कौन सा कतरा है जो दरिया हो सकता नहीं। मैं कर सकती हूँ, दुनिया के बाकी बच्चे कर सकते हैं, ये पेरेंट्स आपके लिए सपने सजा के बैठे हैं, तो आप भी कर सकते हो। स्पार्क अप योरसेल्फ एंड बाउंस बैक, जाओ और भिड़ जाओ पढ़ाई में, ठीक है? ऑल द बेस्ट। और किसी को कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी। बुकलेट कहाँ मिलेगी? बुकलेट आप लोगों को ऑनलाइन में अवेलेबल